हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में मैंने 50 एमसीक्यू बताए हैं ऑनलाइन जो पूछे गए थे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के एग्जाम में, विद आंसर की आपको अच्छे से समझ आ जाए क्वेश्चन जो एमसीक्यू पूछे गए थे और इसका आंसर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फार्मेसी में। उसके ड्रग एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माको डायनामिक, ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फार्माकोलॉजी थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो लेकिन जो अब की बार के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज़्यादा डीप नहीं थे, ड्रग रिलेटेड पूछे गए थे और टॉक्सिकोलॉजी की साइड से भी ज़्यादा टफ नहीं था। तो मतलब जो अच्छे से स्टडी करके गए होंगे उनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से हुआ होगा। और जो अब की बार के एमसीक्यू पूछे गए थे वो ज़्यादा डीप नहीं पूछे गए थे, मतलब सुपरफिशियल पूछे गए थे। कि जो फार्माकोलॉजी वैसे ही बहुत टफ होता है, अगर एग्ज़ाम अब की बार टफ रख दिया जाता तो काफ़ी बच्चों के कम मार्क्स आते, लेकिन ऐसा नहीं था। फार्माकोलॉजी का जो एग्ज़ाम था अब की बार का वो ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छे से दिया होगा जो भी स्टडी करके गया होगा। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करिए, मैं जवाब देता हूँ। फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, पॉपुलर एंटी अरिथमिक इन इंटेंसिव केयर यूनिट इज, राइट आंसर है हमारा सी, लिडोकेन। और सेकेंड एमसीक्यू है विच ऑफ द दीज इज यूजफुल इन पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, तो राइट आंसर है आइसो एक्स सुप्रीन। तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा कि आपको याद रहे। थर्ड है हमारा नोवल एंटी एंजाइनल ड्रग एक्ट बाय नॉन हिमोडाइनमिक मैकेनिज्म इज, राइट आंसर है डी। फोर्थ है कोरोनरी स्टील फिनोमिना इज शो बाय विच एंटी एंजाइनल ड्रग, राइट आंसर है डी, ट्रीमेटाज़िडिन। और हमारा है फिफ्थ है हमारा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिथियम इंड्यूस नेफ्रोजेनिक डीआई, यानी कि आंसर है हमारा सी। सिक्स है न्यूरोजेनिक डायबिट इंसिपिडस इज ट्रीटेड बाय, राइट आंसर है ए, डिमोन स्प्रेसिन। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, तो आंसर है सी। एट्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवरडोज ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट, तो आंसर है हमारा ए, विटामिन के वन। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा कि आपको याद रहे। नाइन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो डी, हेपेरिन। टेन है एप्सिलोन एमाइनो कापोरिक एसिड इज ए, आंसर है सी, एंटी फिब्रोनोलिटिक। 11th है हमारा डापराइडामोल विच इज़ ए वैसो डायलेटर यूज इनहांस द एंटी प्लेटलेट एक्शन ऑफ, तो आंसर है एस्पिरिन। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज डेक्सटर्न एज प्लाज्मा एक्सपेंडर, तो इसका आंसर है डी, डेक्सटर्न 70। और हमारा 13th है विच स्टेंट शो हाइएस्ट LDL CS लोअरिंग एफिकेसी एंड हैज एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो आंसर है सी। 14th है ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर लिथियम इंड्यूस नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, तो आंसर है सी, अमाइलोराइड। और 15th है हमारा ए पेशेंट विच नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस इज बेस्ट ट्रीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायबिटिक कुड बी एडिड टू द थेरेपेटिक रेजिमेंट ऑफ ए पेशेंट हु इज रिसीविंग अ ड्रग वैसोडायलेटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो आंसर है सी। तो डायबिटीज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 17th है ऑफ द फॉलोइंग एजेंट विच इज बेस्ट अवॉइडेड इन पेशेंट विच ए हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो आंसर है बी, ए रिडक्शन इन इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियास मे बी कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायबिटिक, तो आंसर है बी, क्लोथियाज़िड। 19th है हमारा बोथ फिंटोलामाइन एंड पैराजोसिन, तो आंसर है हमारा ए। 20 है हमारा द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक इज, तो आंसर है एपिनेफ्रिन। 21st है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मस्कुलिनिक ड्रग इज यूज बाय द इनहेलेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, तो आंसर है बी।
22 है, प्रालीडॉक्सिम क्लोराइड इज ड्रग डैट, तो आंसर है सी रिएक्टिव कॉलिंग स्ट्रेस दैट हैव बीन इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट। फिर हमारा 23 द कोलिनोमिमेटिक ड्रग डैट इज यूजफुल फॉर ट्रीटिंग पोस्टो ऑपरेटिव एबडोमिनल डिस्टेंशन एंड गैस्ट्रिक्टोनी इज, तो आंसर है हमारा डी। 24 ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक वाइड एंगल ग्लूकोमा, विच ऑफ दिस एजेंट रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर वाइल डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो आंसर है ए टीमोलोल। 25th है रिटोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो आंसर है डी प्रीमेच्योर लेबर। 26th है द रिवर्सिबल कोलिनेस्टेस इनहिबिटर इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीजेस, तो आंसर है हमारा टेक्रीन, टेक्रीन हमारा राइट आंसर है। 27th है हमारा द नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट डैट इज आल्सो ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट ए अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर इज, आंसर है डी। और 28th है द एंजाइम डैट इज इनहिबिटेड बाय इकोथियोपेट आयोडाइड इज, आंसर है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस यानी कि बी। 29th है हमारा चूज द ड्रग डैट ऑफन कॉज टैकीकार्डिया व्हेन गिव इन रेगुलर डोजेस, तो आंसर है बी। 30 है हमारा ए पर्सन टेकिंग नाइट्रेट हैज टू अवॉइड वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एज इट कैन कॉज सीवियर हाइपोटेंशन, तो आंसर है हमारा डी। आप सब स्क्रीनशॉट लेते रहेगा कि आपको अच्छे से समझ आए, और बाद में आप अपने नोट भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे कि आपको याद रहे और आप रिवाइज करते रहें। 31st है नोवल एंटी एंजाइनिक ड्रग एक्ट बाय नॉन हीमोडायनेमिक मैकेनिज्म इज, राइट आंसर है डी। 32 है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच हैव मैक्सिमम चैनल ब्लॉकिंग पोटेंसी एंड डज नॉट डिप्रेस एस ए नोड और ए वी कंडक्शन इज, तो हमारा आंसर है निफिडिपिन। एस ए नोड हमारा हार्ट में होता है, तो निफिडिपिन हमारा राइट आंसर है। 33 है हमारा कोरोनरी स्टील फिनोमेना इज शो बाय विच एंजाइनल ड्रग, तो आंसर है डी। 34 है द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट टेंड्स टू एलिवेट प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड आर, तो आंसर है थियाजाइड डायूरेटिक। डायूरेटिक भी हमारे कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारा हाइपरटेंशन में दिए जाते हैं। 35th एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू बी अवॉइडेड इन द डायबिटिक पेशेंट हु इज टेकिंग इंसुलिन, तो आंसर है सी प्रोप्रानोल। और 36th है द एंटी अरिथमिक ड्रग हैविंग नॉन एंटी मस्कुलिनिक एक्शन इज, तो आंसर है प्रोकोनामाइड। प्रोकोनामाइड इज द राइट आंसर। ज़्यादातर लिडोकेन भी लोग चेक करके आ सकते हैं, लेकिन जो लिडोकेन गलत होता बी इज द राइट आंसर। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज ए 4 अमाइनोक्विनोलिन डेरिवेटिव, तो आंसर है हमारा एमोडिक्विन। 38 है ड्रग यूज इन क्लोनिडीन विड्रॉल, तो आंसर है हमारा फिनॉक्सीबेंजामाइन। तो जो 37th वाला तो वो काफ़ी टफ था, क्योंकि इसमें सारे ही क्वीन क्वीन हैं, तो इसमें से समझना मुश्किल था, लेकिन राइट आंसर बी है। 39 है एस्पिरिन स्मॉल डोजेस इज लाइकली टू बी यूजफुल टू प्रिवेंट अटैक ऑफ पेन इन टिफिकल एंजाइना। 40 टॉलरेंस टू नाइट्रोग्लिसरीन मे बी ओवरकम बाय, तो राइट आंसर है हमारा सी टेम्परेली डिसकंटिन्यूइंग द ड्रग फॉर 1 or 2 weeks। तो 2 weeks तक आप टेम्परेरी बेसिस पे ड्रग को अवॉइड करिए ये। और हमारा 41st है द डिजिटलिस एक्शन इज इनहांस बाय कैल्शियम, राइट आंसर है कैल्शियम यानी कि बी। 42 है हमारा द एक्शन ऑफ क्यूनिडीन डिफर फ्रॉम डेट ऑफ डिजिटलिस इन, राइट आंसर है हमारा डिक्रीजिंग इरिटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल,
तो हमारा कुछ कोग्नोसी का भी क्रूड यहाँ पे पूछा जा रहा है कोलोजी के अंदर, क्योंकि सब को रिलेट होता है एक दूसरे से। तो 43 है हमारा, विच वन ऑफ दिस इज़ यूजफुल इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। तो आंसर है हमारा आइसोक्स सुप्रीन। 44 है द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ कार्बटोप्रिल इन इफेक्टेड बाय, और इसका आंसर है हमारा स्पायरोन लेक्टॉन, जो कि एंटी डायुरेटिक होता है, जो हमारे डायुरेटिक होता है स्पायरोन लेक्टॉन, लोअर थियाजाइड्स भी मैनिटॉल भी। 45 है ए एजेंट यूज इन प्रिंजमेटल एंजाइना हैज़ स्पास्मोलिटिक एक्शन विच इंक्रीज कोरोनरी ब्लड सप्लाई इज, तो आंसर है डी। 46 है वन ऑफ द ड्रग व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विद टिफेड्रिन मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक अरिथमिया, तो सी एंट्राकोनाजोल। 47 है चूज द करेक्ट क्लास फोर्थ ड्रग एंटी अरिथमिक डेट इज प्राइमरली इंडिकेटिव द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरा वेंटिकुलर तकी अरिथमियाज, तो आंसर है बी डिस्टेलिस प्रिपरेशन आर काउंटर इंडिकेटेड विद डी थियाजाइड डायबिटिक। तो 49th और सेकेंड लास्ट है सोडियम नाइट्रो पोरोक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग, इट यूज इन लिमिटेड बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और 50 और लास्ट एम सी क्यू है हमारा, विच वन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज एम ए ओ इनिबिटर, तो आंसर है हमारा ए। आप सब एम सी क्यू के स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ आए और अच्छे से आप अपनी स्टडी कर पाएँ। आई होप आपको हमारी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर की जो एम सी क्यू वीडियो थी वो अच्छी लगी। इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आंसर बता दिए, किस किस तरीके से 50 क्वेश्चंस बताए गए थे वो मैंने सब इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। शेयर करने से ये होता है कि उनको भी पता चल जाएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगी, वो भी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे एम सी क्यू एग्जाम्स की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू। Thank you.